गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर जोड़ा पहाड़ी के पास कार और बाइक में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार और बाइक पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर मुफस्सिल थाने की पुलिस और एसडीओ प्रेरणा दीक्षित घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस हादसे में कार इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई कि पुलिस को कार में फंसे एक युवक के शव को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मृतकों की पहचान बाइक सवार बेनीलाल हंसंदा, पतिया टूडू, सोमरा टूडू और कार चला रहे मोहम्मद असलम के रूप में हुई है और वहीं एक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। एक कार जो आ रही थी डुमरी की तरफ से, पीटन तरफ से, और एक बाइक जा रही थी। तो बाइक दो, एक बाइक आगे निकल गया, एक बाइक पीछे पर 3 लोग सवार थे, उसी में दोनों आपस में टकरा गए। तो बाइक को बचाने के लिए कार भी मुड़ी और पेड़ में जाकर टकरा गई। कार में 2 लोग थे, स्पॉट हो गए, और बाइक पर 3 आदमी, उसमें 2 आदमी तो स्पॉट डेथ हो गए, एक आदमी को हॉस्पिटल भेजा गया है। अब देखिए क्या होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमला सिंघा गांव के 5 युवक नायक टूडू नाम के एक युवक का इलाज करके गिरिडीह से बाइक पर घर लौट रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। डुमरी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई और दोनों वाहनों के पार्ट्स दूर दूर जा गिरे। गिरिडीह से न्यूज के लिए दिनेश की रिपोर्ट।